सूर्य पुत्र शनि देव की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सूर्य पुत्र शनि देव की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको सूर्य पुत्र श्री शनि देव की कथा सुनाएंगे। शनि देव को कलयुग के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। मानव के सभी कर्मों का शनि देव ही उचित फल देते हैं। भक्त जनों पर इनकी कृपा सदैव बनी रहती है। पुराणों में वर्णित शनि देव महिमा और कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी भक्त कथा को श्रवण करके पुण्य प्राप्त करेंगे। शनि देव के दर पे जो जाता है खाली हाथ, दुनिया भर की खुशियों को लाता है अपने साथ। शनि देव से पापी और अधर्मी तो डरते हैं, क्योंकि अपराधी कुछ क्षमा नहीं शनि देव करते हैं। प्रसन्न जिन भक्तों पर होते भर देते भंडार, शक्ति बड़ी निराली इनकी महिमा अपरंपार। जिनके मन मंदिर में होता शनि देव का वास, कभी कष्ट भूले से भी ना जाए उसके पास। निर्बल पर अन्याय कभी ये सह नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जैसा कि हमने आपको बताया कि शनि देव कलयुग के न्यायाधीश हैं, भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं, किंतु दुर्जन और दुष्ट उनकी नजरों से बच नहीं सकते। शनि देव सदैव उन्हें उचित दंड भी देते हैं। भक्त जनों, भूल कर भी कभी शनि देव का अपमान नहीं करना चाहिए। आरंभ करते हैं सूर्य पुत्र श्री शनि देव की पावन गाथा। शनि देव के जन्म की गाथा अब सुनो लगा के ध्यान, सुनने मात्र से भक्तों का हो जाएगा कल्याण। ग्रंथों में भी शनि देव की कथा पाई जाती, और संतों की वाणी में भी गाई है जाती। विश्वकर्मा जी की पुत्री को भक्तों संज्ञा बताए, सूर्य देव जिन्हें अपनी पत्नी बना के है लाए। जब संज्ञा का सूर्य देव से हुआ ब्याह संपन्न, तब कुछ वर्षों बाद हुई संतान तीन उत्पन्न। वंश वेल को सूर्य देवता आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, सूर्य देव ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से विवाह किया तो उनको सूर्य देव से तीन संतान उत्पन्न हुई। संज्ञा देवी से तीन संतान पाकर सूर्य देव अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में उनका नामकरण करवाया
बड़े पुत्र को उन्होंने मनु नाम दिया, छोटे पुत्र को यम और अपनी पुत्री को यमुना नाम दिया। सूर्य देव ने फिर तो नामकरण है करवाया, ज्योतिषियों मनु यम और यमुना है तो बतलाया। तीनों ही सूर्य देव के जैसे ज्ञानवान गुणवान, सभी कलाओं में प्रवीण है गुण और बल की खान। संज्ञा देवी अपना पत्नी धर्म निभाती है, तप सहन पर सूर्य देव का कर नहीं पाती है। इस कारण संज्ञा ने अपने मन में किया विचार, तप करने से हो सकता है मेरा कुछ उद्धार। सूर्य देव इस बात को किंतु जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, संज्ञा देवी के सूर्य देव से तीन संतानें तो उत्पन्न हो गईं, किंतु संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थीं और सूर्य देव अति तेजवान थे। सूर्य देव का ताप कभी भी संज्ञा से सहन नहीं होता था, किंतु वो अपने पत्नी धर्म का निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर रही थी। जब उनसे सूर्य देव का ताप सहन नहीं हुआ तो उन्होंने तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाने और सूर्य देव के तेज को कुछ कम करने का निश्चय किया। संज्ञा देवी के मन में क्या चल रहा है सूर्य देव कुछ भी नहीं जान पाए, किंतु तपस्या करने के लिए एकांतवास में जाना अति आवश्यक था। संज्ञा देवी के मन में एक उपाय आया। संज्ञा देवी को उत्तम फिर सूझाए को पाए, अपने जैसी परछाई एक उसने दी है बनाए। रंग रूप सब कुछ उसने संज्ञा जैसा पाया है, इस कारण संज्ञा ने उसको नाम दिया छाया है। कहने लगी छाया से मुझको तप करने है जाना, और तुम मेरे जैसे अपना पत्नी धर्म निभाना। छाया तो थी संज्ञा देवी की ही खुद पर छाई, दिया आदेश जो संज्ञा ने तो मना नहीं कर पाई। बहन के जैसे उन दोनों के रिश्ते नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार संज्ञा देवी ने छाया का निर्माण किया और कहने लगी मुझको तपस्या करने के लिए वन में जाना है, और सूर्य देव को मैं अकेला छोड़ नहीं सकती, इस कारण मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे जैसे ही अपना पत्नी धर्म निभाना और ध्यान रखना, सूर्य देव को इस बात का पता ना चल पाए। छाया देवी को अपना कार्यभार सौंप कर संज्ञा देवी निश्चिंत होकर जाती हैं। छाया को अपने बच्चों का देकर सारा भार, संज्ञा चली गई भक्तों विश्वकर्मा जी के द्वार। उनके पिता विश्वकर्मा ने जब सच्चाई को जाना, संज्ञा देवी के विचार को उचित नहीं माना। कोई भी सहयोग नहीं पुत्री का उन्होंने किया, बोले उचित निर्णय ना तुमने संज्ञा देवी लिया। पहले जाकर अपने पति से आज्ञा लेकर आओ,
सच बतला कर चाहे फिर तप करने तुम लग जाओ। अपने पति से राज कोई ना पुत्री छुपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जनों, विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री को समझाया के अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी काम उचित नहीं। यदि तुम तपस्या करना चाहती हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर आओ, सूर्यदेव भी तुम्हें तपस्या करने के लिए मना नहीं करेंगे। बिना पति की आज्ञा के मैं तुम्हें तप करने की अनुमति नहीं दे सकता। अपने पिता से कोई सहायता जब ना पाई है, संगा देवी तप करने को वन में आई है। अश्विनी रूप है संगा ने फिर अपना लिया बनाए, ताकि कोई पहचान नहीं हो सूर्य देव जब आए। लीन तपस्या में संगा फिर तो हो जाती है, उसके पत्नी धर्म को छाया देवी निभाती है। धीरे धीरे भक्तों यूं ही बीतता समय रहा, सूर्य के ताप का छाया पर ना कोई असर हुआ। सूर्य देव भी छाया को पहचान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृपा कर छाया नंदन, तेरे चरणों में है वंदन, कृपा कर छाया नंदन, तेरे चरणों में है वंदन। भक्त जनों, संज्ञा देवी ने अपना अश्विनी रूप बनाकर वन में कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। इधर छाया देवी संज्ञा के जैसे अपने पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही थी। सूर्य देव छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझ रहे थे। संज्ञा देवी से भी सूर्य देव को 3 संतान उत्पन्न होती हैं। छाया देवी को सूर्य देव से हुई 3 संतान, सावरणी मनु शनि देव और भद्रा जिसके नाम। व्याकुल तो होती है छाया ताप सूर्य का सहके, घोर तपस्या भी करती थी भूखी प्यासी रहके। छाया गर्भ से शनि देव का जब है जन्म हुआ, श्याम वर्णना सूर्य देव का उनसे सहन हुआ। जान गए वो संगा नहीं ये उसकी छाया है, क्यों छाया ने भेद ये जाने मुझे छुपाया है। सूर्य देव बड़े क्रोधित छाया पर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृपा कर छाया नंदन, तेरे चरणों में है वंदन, कृपा कर छाया नंदन, तेरे चरणों में है वंदन। भक्त जनों, जब छाया गर्भ से शनि देव उत्पन्न हुए तो उनका रंग काला था। सूर्य देव ने सोचा, मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। तब तो छाया देवी की असलियत जान लेते हैं और छाया देवी पर बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। बोले, तेजवान मैं हूँ और पुत्र हुआ काला, कैसे ये बालक हो सकता है मेरा लाला। छाया देवी सूर्य देव को बड़ा समझाती है, क्रोध
क्रोध की ज्वाला शांत नहीं पर उनकी हो पाती है। सूर्य देव का जब है देखा बदला हुआ व्यवहार, शनि देव ने अपने मन में क्रोध किया है अपार। वक्र दृष्टि शनि देव ने सूर्य देव पर डाली, सूर्य देव की काया भी फिर हो गई तो काली, और कुष्ठ रोगी भी सूर्य देव हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जनों जब सूर्य देव ने शनि देव को पुत्र के रूप में अपनाने से मना कर दिया और उनकी माता पर भी क्रोधित हो गए तो उन्होंने अपने पिता पर वक्र दृष्टि डाल दी, जिससे सूर्य देव का तेज नष्ट हो गया और सूर्य देव कुष्ठ रोगी भी हो गए। फीका पड़ने लगा सूर्य का जो था तेज अपार, सूर्य देव ने भोलेनाथ से करी है करुण पुकार। अंतर्यामी भोलेनाथ ने बातों को जाना, सूर्य देव को ही अपराधी इसके लिए माना। सूर्य देव ने अपने किए का किया है पश्चाताप, शनि देव ने वापस लिया है फिर तो अपना श्राप। सूर्य देव ने चाहे अपनी मानी गलती है, पिता पुत्र में इसीलिए तो कभी न बनती है। शनि देव अपने अपमान को सह नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जनों शनि देव अपने पिता के द्वारा किया अपमान को सहन नहीं कर पाए। भोलेनाथ ने पिता और पुत्र के बीच में सुलह तो करवा दी, किंतु आज तक पिता और पुत्र के बीच बनती नहीं है। भोलेनाथ को शनि देव का न्याय प्रिय स्वभाव बड़ा ही पसंद आया और उन्हें न्यायाधीश का दर्जा देकर सम्मानित किया। भोलेनाथ ने न्याय प्रिय जब देखा है व्यवहार, न्यायाधीश का शनि देव को सौंप दिया है भार। नवग्रहों में भोलेनाथ ने दिया प्रथम स्थान, कर्म फलों को देने वाला बना दिया भगवान। शनि देव सृष्टि पर तब से ही साम्राज्य करे, दानव मानव देव संत सब पर ही राज करे। श्याम वर्ण है इनका लेकिन भक्तों के मन भाए, इनके दर से भक्त निराश न कोई भी जाए। शनिवार के दिन ही ये तो पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृपा कर छाया नंदन तेरे चरणों में है वंदन, कृपा कर छाया नंदन तेरे चरणों में है वंदन। भक्तजनों भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शनि देव को न्यायाधीश नियुक्त किया। शनि देव अच्छे और बुरे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनि देव की भक्ति अत्यंत ही कल्याणकारी है। शनि देव को काले वस्त्र अत्यंत ही प्रिय होते हैं और काली तिल तथा काली उड़द भी चढ़ाए जाते हैं।
काला कपड़ा काला दिल जो इन्हें चढ़ाता है, मुक्ति सारे ही कष्टों से भक्तों पाता है। और सरसों का तेल भी जो कोई इनको भक्त चढ़ाता, यश बल और धन वैभव है अपने जीवन में पाता। शनि देव के न्याय चक्र का उचित है बड़ा विधान, राजा हो या रंक कोई है के लिए एक समान। शनि देव जो प्रसन्न रहे खाली झोली भरते हैं, लेकिन मिथ्याचारी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। सत्य राह पे चलने वाले इनको भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, शनि देव की कृपा दृष्टि जिन भक्तों पर हो जाती है तो उसको पल में ही रंक से राजा बना देते हैं। सत्य की राहों पर चलने वाले सदैव शनि देव की कृपा के पात्र होते हैं। मिथ्याचारियों के लिए शनि देव शत्रु ही समझो। अतः सब भक्तों से प्रार्थना है कि सदैव सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। शनि देवता कभी अकारण क्रोध नहीं करते, इनसे अत्याचारी और अधर्मी सदा डरते। सुंदर कांड पाठ बड़ा इनके मन को भाता है, हनुमान का भक्त भी इनसे निर्भय हो जाता है। सभी विघ्न बाधाओं का यह कर देते हैं नाश, सभी ग्रहों पर शनि देव का चला सदा ही राज। शनि देव की पावन गाथा सुनते हंसराज, बड़े भाव से कथा को गाता भक्तों डीएस पा। फौजी सुरेश भी शनि चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवग्रहों में श्रेष्ठतम श्री शनिवर महाराज, नवग्रहों में श्रेष्ठतम श्री शनिवर महाराज। सूर्यपुत्र शनिदेव हैं, नवग्रहों के सरताज रे भक्तों, नवग्रहों के सरताज। नीलांबर को धारते स्वर्ण मुकुट है भाग, नीलांबर को धारते स्वर्ण मुकुट है भाल। हाथ त्रिशूल कुठार है, गल मुक्तन की माल रे भक्तों, गल मुक्तन की माल। रूप चतुर भुज आपका, गागा के असवार। रूप चतुर भुज आपका, गागा के असवार। भक्त जनों की नाव को भव से लगाते पार श्री शनिवर, भव से लगाते पार।
अधरन पर है विराज रही मंद हंसी प्यारी। अधरन पर है विराज रही मंद हंसी प्यारी। अनुपम छवि है आपकी सृष्टि में न्यारी शनि जी सृष्टि में न्यारी। अतुलित बल के धाम हो माया अपरंपार। अतुलित बल के धाम हो माया अपरंपार। छाया नंदन शनिश्चरा सृष्टि के आधार है भक्तों सृष्टि के आधार। वक्र दृष्टि से कांपता ये सारा संसार। वक्र दृष्टि से कांपता ये सारा संसार। साढ़े साती से हुआ सबका बेड़ा पार रे भक्तों सबका बेड़ा पार। शनिवार प्रिय मानते जो शनि मंदिर जा। शनिवार प्रिय मानते जो शनि मंदिर जाए। भौतिक सुख सब भोग के अंत शिव धाम को जाए वो बता अंत शिव धाम को जाए। लोहा तिल और तेल उड़द आपके मन को भा। लोहा तिल और तेल उड़द आपके मन को भाए। तेल से जो स्नान कराए पद परम वही पाए रे भक्ता पद परम वही पाए। महिष तुम्हें प्यारी लगे कागा के असवार। महिष तुम्हें प्यारी लगे कागा के असवार। चरण शरण में आए जो होता बेड़ा पार रे भक्तों होता बेड़ा पार। शनिवार पीपल तले जो दे दीप का दान। शनिवार पीपल तले जो दे दीप का दान। धन संपत्ति पाए वही पाए परम सम्मान वो जग में पाए परम सम्मान। न्याय
न्यायाधीश पदवी मिली, करते सदा ही न्यायाधीश पदवी मिली, करते सदा ही न्याय। कर्मों का फल बांटते होनी नहीं टल पाए रे बातों, होनी नहीं टल पाए। शिव को गुरु है मानते, प्यारे लगे हनुमान। शिव को गुरु है मानते, प्यारे लगे हनुमान। शिव हनुमान को ध्याए जो, करे शनिचर सम्मान उन्हीं का, करे शनिचर सम्मान। गणपत पर दृष्टि पड़ी, गर्दन दई उड़ा। गणपत पर दृष्टि पड़ी, गर्दन दई उड़ा। राम लखन सीता सहित, वन में दिए भिजवाए शनिचर, वन में दिए भिजवाए। कौरव पांडव द्रौपदी, दृष्टि से बच नहीं पाए। कौरव पांडव द्रौपदी, दृष्टि से बच नहीं पाए। विक्रमादित्य के आपने हाथ और पैर तुड़वाए शनि जी, हाथ और पैर तुड़वाए। चंदन वाणी को पढ़े तिलक करे दिन रे, चंदन वाणी को पढ़े तिलक करे दिन रे। शनि के आराधन बिना मन को नहीं रे चैन है भक्तों, मन को नहीं रे चैन। ओ जय शनि देव महाबलकारी, न्याय के दाता दंड अधिकारी। सुत छाया है माता, ओ कष्ट हरे सुखों के दाता। जग पर चलता हो, कुदृष्टि से हर कोई डरता। दीन के दाता कृपा निधान, जग
साजे हो दाए कर तेरे शूल विराजे सजीला जगत लगावे तुम्हारा ध्यान महिमा गानित करे बखान ओ माता पिता की सेवा भाए जो करता वो कृपा पाए सत्य न्याय सदा पहचान जग में न्यारी तेरी शान जय 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 शनिदेव ओ द्वेष और छल नहीं भाए सरल भाव ही तुमको भाए तुमको नहीं रिझाता जग में कभी ख्याति ना पाता पर भी पड़ती कुदृष्टि दशा बुरी हुई समझो उसकी दृष्टि से देव घबराए भटके दर दर पार न पाए देते उनको ही तुम दंडित करते श्रेष्ठता सब समझाऊं सुन लो भक्त लगा के ध्यान कथा का मैं करता हूं बखान
दिवस ऐसा भी आया, हो उलझन का अंधियारा छाया। विवाद में घिरे थे झगड़ते, ओ कौन श्रेष्ठ है प्रश्न ये करते। कर विक्रम को बुलाया, करे जोड़े तुम करो निदा, विक्रम तेरा न्याय महान। ओ राजा विक्रम के मन आया, श्रेष्ठ कहूँ किसे समझ न पाया। सुझाए सिंहासन तब नौ बनवाए, थे तुच्छ कहाए। बोल गिराया मेरा मान, तोड़ू अब तेरा अभिमान। पाठ सब खाक है कीन्हा, लीला रची तब दंड था दीन्हा। तब समृद्धि पाई शनि से, जिस पे डाली हर ली जीवन की हरियाली।
सबसे अधिक रहते राशि में हो गोचर करते सब राशि में। दर दर भटके कुदृष्टि से भव में अटके सरसों का जो तेल चढ़ावे उनके पूरन होते काम शनि देव का पावन नाम। ओ पीपल नीचे दीप जलाओ शनि देव की कृपा पाओ कार्य सब होंगे आसान शनि देव रख लेंगे मान। ओ ज्ञानी ध्यानी देव निराले यश सुख को ये देने वाले पथ जो जाए दया दृष्टि शनि देव की पाए ध्याते इन चरणों में ध्यान लगाते अनुज ऋषिवर गुण गाते ओ पुष्प सभी चरणों में चढ़ाते निश दिन ध्यान लगा लो मन चाहा फल इनसे पालो शुभ
बखाने शनि देव बस उनकी माने। चंदन ने महिमा है गाई, हे शनि देवा रहना सहाई।